स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड टुडे इज यूपीएल। अकॉर्डिंग टू मी इट कैन गिव यू अराउंड 100 to 150 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट पर शेयर। सो आप देख कर चल सकते हो भाई, 750 का है, सो आप अराउंड 100 and 150 पर शेयर के टारगेट को लेकर चल सकते हो, आपको पर शेयर प्रॉफिट हो सकता है। सो सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, डेली का टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, सो इस जगह से एंड इस जगह से उसने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया है। एंड ये कहानी अगर आप देखोगे, सो इसने इधर से नीचे वाले लेवल से उसने एक बाउंस बैक दिखाया, जो एक रेजिस्टेंस की तरह तो काम कर रहा था बहुत पहले इस जगह पर, वो उस पर हम आएंगे, लेकिन एक सपोर्ट की तरह इस जगह से पिछले 3 से 4 महीने से काम करना चालू कर चुका था। और दोस्तों उधर मल्टीपल टाइम बाउंस बैक देने के बाद उधर से ही उसने एक बाउंस बैक दिया। एंड नाउ द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग एट दिस लेवल विच इज ऑल्सो अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। अगर आप देखोगे तो इसकी स्टोरी और कहानी बहुत पुरानी है, एंड वो पुरानी कहानी पर मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों। ये वाली पुरानी, कितना पीछे जाओगे आप, ये यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, प्लस इसके अंदर वोलेटिलिटी देख रहे हो आप खाली वोलेटिलिटी पर नजर डालो, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। तो ये वोलेटिलिटी है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ वोलेटिलिटी आई है। वॉल्यूम आप नीचे देख लेना बाद में। फिर आप इधर देखो, सो इस जगह पर फिर से एक बार उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, एंड ये वाली जगह पर उसने एक क्लीन सा ब्रेकआउट दिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम, बिकॉज यहाँ पर हमें अर्निंग्स आते हुए देखने मिली थी। अर्निंग्स के साथ साथ हमें वॉल्यूम का भी प्रेशर देखने मिला, जिसके कारण हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने मिला। तो दोस्तों यहाँ पर भी उसने मल्टीपल टाइम्स इस रेजिस्टेंस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, 1, 2, 3, 4, 5, एंड 5 बार नहीं ब्रेकआउट कर पाया, उधर से फ्रेश रैली आई, एंड नाउ इट्स बिन ऑन दिस साइड। तो दोस्तों हम थोड़ा सा एक ज़्यादा ब्रॉडर व्यू पर चले जाते हैं, सो 1 डे नहीं, हम थोड़ा सा 1 मंथ पर चले जाते हैं। सो 1 मंथ पर भी आपको एकदम सेम ही स्टोरी देखने मिलेगी। ये पर कैंडल इज डिनोटिंग यू द व्यू ऑफ 1 मंथ। सो आप देखो, सो ये 1 मंथ पर आपको ये एक कहानी देखने मिलेगी कि इस जगह से आपको एक रिट्रेसमेंट देखने मिला, एंड यहीं पर से आपको एक फ्रेश रैली देखने मिली बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। और आपको आने वाले टाइम में अर्निंग्स का भी एक खेल देखने मिल सकता है। ये जो अर्निंग्स है ये आपको आते हुए देखने मिल सकती है, दिसंबर की अर्निंग्स, तो वो तो थोड़ा आगे हो गई, लेकिन वैसे भी हम स्विंग ट्रेड की ही बात कर रहे हैं। सो अगर हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाए, हमें ज़्यादा लंबा भी नहीं जाना है, स्विंग ट्रेड है तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से लेंगे हम, स्विंग ट्रेड के हिसाब से लेंगे। सो वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें, सो इट हैज़ बिन रिस्पेक्टिंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम विच इज़ अराउंड 4 to 5 months। प्लस अगर आप देखो, सो नीचे की तरफ से भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना बन चुका है। और थोड़ा सा पीछे जाएं, सो पीछे भी आपको यही कहानी दिख रही है, और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तभी भी आपको सेम कहानी दिखेगी, बट अभी हम इतना पीछे जाकर ये लाइन को लंबा नहीं करना चाहते। सो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। दोस्तों इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। बट कहना चाहूँगा कि इसे बाय कब करना है और सेल कब करना है। सो दोस्तों अगर आपको ये वाला लेवल दिख रहा है, कौन सा लेवल, अराउंड ये हमने एक और एक ट्रेंड लाइन बना दी है जो आपको एक सपोर्ट का काम करेगी और आपके SL का रखने का ही काम करेगी। तो दोस्तों जितना आप आगे जाओगे उतना ज़्यादा ये वाली लाइन भी आगे आगे बढ़ते जाएगी। तो दोस्तों ये वाली लाइन पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हो। प्लस अगर आप चाहो और थोड़ा सा डीप ट्रेडर हो, सो आप इस लाइन को छोड़ते हुए ये नीचे वाली लाइन पर भी SL लगाकर चल सकते हो, अगर आप ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकते हो, तो वो आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो SL तो आप अपने हिसाब से रख देना, बिकॉज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एवरीवन इज़ अ डिफरेंट ट्रेडर। सो अगर कोई बंदा 1 महीना होल्ड कर रहा है तो दूसरा बंदा 1 दिन भी होल्ड कर सकता है। सो एवरीवन डिपेंड्स ऑन देयर ट्रेडिंग स्टाइल एंड वॉट एवर इट इज़। सो 1 हफ्ते का तो हम नहीं लगाते हैं, 1 दिन का लगाएंगे, तब जाकर हमें एकदम क्लियर व्यू आएगा, बिकॉज इट इज़ लाइक दैट। सो दोस्तों ये वाला व्यू, सो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि अगर आप इस जगह तक, अगर आप खाली इतनी दिसंबर तक अगर आप होल्ड कर रहे हो, सो आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो तो ऊपर की तरफ कुछ रहेगा ही नहीं, लेकिन जो आपका सपोर्ट और स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाली लाइन रहेगी। ये वाली लाइन आपको क्लियरली दिख रही है, ये नीचे वाली लाइन नहीं रहेगी। लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन, सो आपको इसके अंदर डिस्टिंग्विश करने में और ईजी पड़ेगा। सो अगर आप देखो, सो अगर आप दिसंबर तक अर्निंग्स आने से पहले पहले तक अगर आप होल्ड करते हो, सो आपकी जो सपोर्ट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, वो आपकी ग्रीन लाइन रहेगी। और अगर आप
अर्निंग्स आने के बाद तक होल्ड कर पाते हो, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप अर्निंग्स आने के बाद इस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हो, वरना अपने रिस्क के हिसाब से आप अपने ब्लू लाइन का भी स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हो। टारगेट्स आपके होंगे ये ऑल टाइम हाई, जो इसने अपना हमेशा से ऑल टाइम हाई लगाया है, ये ऑल टाइम हाई वाला टारगेट होगा। फिर सेकेंड टारगेट तो आपको सीधा 1000 का ही मिलेगा, उसके पहले तो मुझे कोई टारगेट दिख नहीं रहा है। सो लेट्स अज्यूम फॉर 860 लेवल्स एंड देन यू कैन जस्ट ड्राइव फॉर 950, 900 एंड देन 950 एंड देन डायरेक्टली 1000। सो दोस्तों 1000 ऐसा नहीं है कि एक आध महीने में ही हो जाएगा, इट कैन टेक टाइम एंड इट शुड टेक टाइम। तो जितना ज़्यादा टाइम लेता है अच्छा ही है आपके लिए, तो देखते हैं कितना टाइम लेता है, बट 1000 के लेवल्स को भी जल्दी ही हमें क्रॉस करते हुए देखने मिलेगा। अनरियलिस्टिक एजम्पशंस नहीं रखनी है, ऐसी एजम्पशंस रखनी है जो क्लियर भी हो एंड लॉन्ग टर्म में आपको चार्ट हमेशा से ऊपर ही। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।